नमस्कार दोस्तों, एसएसएम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई एक थॉट्स आपके जीवन धारा पूरी की पूरी तरह बदल देती है। तो देखते रहिए दोस्तों और एसएसएम स्टडी चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, क्या होता है कि आप अपना जीवनधारा बदलना चाहते हैं, जबकि होता है कि अगर आपकी लाइफ एक ही पैटर्न पर चल रही है और आप उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, सडन चेंज लाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि कोई एक विचारधारा आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अब गौतम बुद्ध का यही ले लीजिए विचार, मनसा वचा कर्मणा, यानी इसका मतलब यही हो गया कि अच्छे चाहे बुरे विचार केवल मन में आते हैं और मन में आने के बाद फिर जिह्वा पर आते हैं, यानी जीभ पर आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन में समाविष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी पूरी जो शरीर है, पूरी बॉडी है, वो उसका कंट्रोलिंग हमारे माइंड के पास है और माइंड जो होती है थॉट से चलती है, यानी विचारों से चलती है। तो जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड एक्ट करता है। अगर हमारा माइंड उसी जिस तरह से एक्ट करेगा, हमारा बॉडी उसी तरह से बिहेव करेगा। तो इसीलिए कहा भी गया है कि मेंटल थिंकिंग इज ए फिजिकल रिएक्शन, यानी मानसिक सोच ही शारीरिक प्रक्रिया है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर गौतम बुद्ध के इस विचार को समझाएगा कि अच्छे चाहे बुरे विचार पहले मन में ही आते हैं, अगर आप अच्छे विचार लाएंगे तो क्या होगा, आप वो पहले आपके मन में आएगा, फिर धीरे धीरे वो जीभ पर आता है, यानी जबान पर आता है, और फिर वो जबान पूरे जीवन में धीरे धीरे वो समाविष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर एज की बात की जाए तो 15 से लेकर यानी 14 से लेकर 20 तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह हम अपने पीसी में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसे ड्राइव करने के चलाने के लिए, उसी तरह हमारा माइंड भी उसी तरह से है। तो 15 से 20 साल के बीच में, अगर 14 से 20 रखा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर उसमें हम अच्छी बातों को इंस्टॉल कर ले शुरू में ही और उसे जम जाने दें, ठीक उसी तरह जैसे जीवन में उसको समाविष्ट हो जाने दें, तो फिर उसका फ़ायदा हमको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही कोर टाइम होता है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो जैसे नहीं तैसे विचार इंस्टॉल करते जाते हैं। तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो ये इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला वीडियो है, आपको दूसरा वीडियो भी इससे मिल जाएगा, पार्ट टू में आप इससे और ज़्यादा जानकारी लेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या है कि आप हमारे ज़्यादा चैनल वीडियो को नहीं देख पाते हैं, आप केवल इस वीडियो को ही देख लेते हैं और सोचते हैं कि काम हो जाएगा, तो इस तरह से नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसमें आपको हर तरह से कोर नॉलेज दिया जाएगा। कोर नॉलेज कहने का मतलब यह है कि आप इसको देखकर अपने नॉलेज में अच्छे से अच्छे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके हर वीडियो को देखें। मेमोरी से रिलेटेड मैंने ढेर सारे वीडियो दिए हैं, अगर आप उनको वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप उसको देखिए और अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करिए। करीब 9 से 15, 10, 12 वीडियो मैंने उससे बनाए हैं, आप उसको देखिए, जरूर देखें। और आप निश्चित तौर पर आपको जो याद करने की समस्या है वो तो करीब 100% वो आपको छुटकारा भी दिला ही देगी। वो बहुत ही टेक्निकल है, उसमें कुछ ज़्यादा योग और दवा वगैरह यूज नहीं है। तो देखते रहिए एसएसएम स्टडी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।